गरीब वो जातियां हैं। आप कह रहे हैं ये जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि जाति जनगणना का आप लोग ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं हर जगह। बीते दिन भी राहुल गांधी एक तरफ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, दूसरी तरफ जाति जनगणना। जाति के आधार पर ही वोट मिल सकते हैं, ये इंडिया गठबंधन को समझ में आ रहा है, इसीलिए आप लोग चुनाव के एन पहले जाति जनगणना पर इतना जोर दे रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोनों चीजें कही, जाति भी कहा और धर्म भी कहा मैंने, और जिस तरह से 8-8 जातियों के लोगों को फोटो लगाकर और लोगों को कहा गया कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई हो, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जातियां बताई होंगी, पहली सरकार है जो ये कहती है कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी बना दिए, फलाने बना दिए, ढिकड़े बना दिए, ये पहली सरकार है, तो जाति के नाम पर कौन वोट मांगता है वो पूरा देश जानता है। अच्छा, हम जो जातिगत जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं उसके लिए तमाम बीजेपी के घटक दल भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, और 2011 में हुई भी थी, और 2011 के आंकड़े ये दबाकर बैठे हुए। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय में अब बहुत लंबा समय हो गया, अगर कुछ जातियां ओबीसी में भी पीछे रह गई, कुछ एससी एसटी में भी कुछ वर्ग पीछे रह गए, तो उनको कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, और अपना क्लियर स्टैंड करे बीजेपी कि हम किस तरह से उनको आगे लेकर आएंगे, क्या आपके पास कोई प्लान है। आज आर्थिक और सामाजिक विषमता लगातार बढ़ रही है और 10 साल में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी है, जिस तरह से रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हुआ है ये पूरा देश जानता है। अब बात आती है वापस 2015 के, कौन कौन से वायदे थे जिनके ऊपर मोदी जी कहेंगे कि मैंने ये काम कर दिए हैं, मेरे ये वायदे थे 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपये का वीडियो क्लिप आज तक मुझे नहीं मिला है, मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, जिस तरह से डबल किसान की आम की आय की बात की 2022 में, और उसके बाद कहा कि सबके घरों के ऊपर छत मिल जाएगी। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं, सुधांशु भाई ने कही, मैं सुधांशु भाई को चैलेंज करता हूं, मुझे अभी कोई भी वेबसाइट बता दें जिस पर यह लिखा हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान दिए गए, मुझे कहीं पर भी दिखा दें वो 4 करोड़ का आंकड़ा। मेरे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैंने बताया 75.51 लाख मकान बने, और उसमें से ऑक्यूपाइड है 71.39 लाख। 4 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया मुझे बता दीजिएगा। जल जीवन मिशन योजना में 4 करोड़ एक एक करके देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो फिर बताइए कौन सी वेबसाइट पर आज तक के दर्शक भी देखेंगे। सुनिए, आए बाएं बोलने से काम नहीं चलता है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने बोला है लाइए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, फ्लोर ऑफ द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर का दिया गया बयान। यहाँ पे विशेष नहीं, ये टीवी डिबेट में नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान ऑथेंटिक होता है किसी भी आपके मीडिया के सोर्स से। सुधांशु त्रिवेदी बोलना शुरू भी नहीं किए, अजय आलोक बीच में घुसने लगे, क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और मैंने आपको कोट कर दिया, अगर आपके किसी सांसद ने उस पर आपत्ति की हो दिखाइएगा, नहीं तो अभी भी आप लाइए कि उन्होंने गलत बोला है। और मैं एक और बात एक पॉइंट करके आपने सरेंडर कर दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी झूठ बोला जाएगा तो क्या करें, एक दूसरे का थथुन ताकते रहिए। तो फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन देना चाहिए। अरे भाई विशेषाधिकार हनन, विशेषाधिकार हनन अगर नहीं आएगा तो आप सोर्स नहीं बताएं। नोटिस दिया। आप मुझे केवल बता दीजिए 4 करोड़ मकान बने उसकी लिस्ट कहां पर अवेलेबल। अब एक और पहली चीज नहीं, मैं दूसरी बता रहा हूं, दूसरा बता रहा हूं, पीएम आवास का मैंने बताया, मैंने आपको आंकड़े कोट किए। नहीं भाई मुझे बता दीजिए, सुनिए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी जाति बनाई, ये पंडित नेहरू कौन थे भाई? पंडित नेहरू एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, क्या बात कर रहे हैं? दामाद पारसी था, जो अपने नाम के आगे खान लगाते थे, उनका बहु क्रिश्चियन आई हुई है, और उनकी बहु तो नंगा करके छोड़ेगा क्या? एक का नाम प्रियंका गांधी, बस कर, वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या पारसी मुझे नहीं पता। उनका एक पुत्र है, नाम राहुल गांधी है, माफ कीजिए, उनका धर्म मुझे मत फंसाइए, मुझे नहीं मालूम वो मुस्लिम है, पारसी है, हिंदू है कि क्रिश्चियन।
उन्होंने अपने नाम के आगे पंडित किसने लगाया, उनके किसी भी लगाना एक अलग बात है, जवाहरलाल और जाकर ये कहना मैं ब्राह्मण हूं मुझे वोट दे दीजिए, दोनों में चीजों में फर्क। सर चिल्लाने लगे, नहीं नहीं मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, आज तक 4 करोड़ मकान दिए उसकी लिस्ट देश की जनता के सामने, 4 करोड़ की लिस्ट 40 मिनट के कार्यक्रम में नहीं बताई। अरे भाई आप सोर्स बता दीजिए, फ्लोर ऑफ द हाउस बोल दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आप लोग आपकी सरकार तमाम झूठ बोलती है, तो आपके नेता को तमाम झूठ बोलती है देना चाहिए, अब वो भी समय आएगा, वो बोलने फिर अगले पॉइंट क्या था, सोर्स नहीं मिला, डिस्टर्ब करने पे सोर्स नहीं मिला, अब नहीं बात कर रहे, सोर्स भी तो सोर्स कहां है, सोर्स मैंने संसद को कोट कर दिया, संसद नहीं है। दूसरी बात, ये पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे, ये किसने बताया, और तो छोड़िए अपनी जाति तो छोड़िए, गोत्र बताने वाला पहला नेता कौन, 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर में जाकर निकल के बताया कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण हूं, और आज आके कह रहे हैं जातियों, और 2023 में कहते हैं अब पिछड़ों की जाति का जनगणना करो, क्या पलटी मारते हैं, जैसा सुविधा मिले इसीलिए उलटते पलटते आज स्थिति हो गई है कि जनता का आप पे विश्वास समाप्त हो गया है, एक वो थे एक ये थे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता या विपक्ष के प्रवक्ता क्या सिर्फ सदन को या टीवी डिबेट को डिस्टर्ब करने के लिए हैं, जहाँ भी बहस हो गए बस सत्ता पक्ष के जो भी प्रवक्ता होंगे वो बोलना शुरू नहीं करेंगे कि ये लोग बीच में टपक के बोलना शुरू कर देंगे और डिस्टर्ब करते रहेंगे, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे और यहाँ टीवी डिबेट नहीं चलने देंगे, इस तरह से वो सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। अरे यही वजह है कि आप लोग जो है इतना पीछे चले जा रहे हैं, जनता अब आपको सीरियस लेती ही नहीं है, क्योंकि आप जनता को कभी सीरियस नहीं लेते हैं।